खाजूवाला में सब्जी मंडी की समस्या का अब धीरे धीरे समाधान होने लगा है। सब्जी के थोक विक्रेताओं को अब नई सब्जी मंडी में स्थानांतरित किया गया है, जिसकी वजह से सब्जी मंडी में लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिलेगी। ऐसे में आज खाजूवाला प्रशासन के द्वारा सब्जी मंडी के थोक विक्रेताओं को नई सब्जी मंडी में सब्जी की खरीद व बिक्री शुरू करवाई गई। ऐसे में लंबे समय के बाद सब्जी मंडी की समस्या का धीरे धीरे समाधान होने लगा है। दूसरी ओर सब्जी मंडी के अध्यक्ष फूलदास स्वामी ने कहा कि नई सब्जी मंडी में छाया, पानी व बिजली की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इन व्यापारियों के सामने एक बड़ी समस्या आ रही है कि छाया, पानी व बिजली न होने के कारण किसानों व व्यापारियों की सब्जी भी खराब होगी तो गर्मी से भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। ऐसे में समय पर प्रशासन को नई सब्जी मंडी में मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए समस्याओं का समाधान करना होगा। प्रशासन ने हमारे को आगाह किया कि आपको सब्जी मंडी में मूल लगाना है, लेकिन हम कल आए थे यहाँ पर, प्रशासन को दिखाया गया यहाँ सेट बना हुआ नहीं है, न पानी व्यवस्था है, न यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, उसका बड़ा पूरा कमल है, पूरी गंदगी फैली हुई है यहाँ पर। वहाँ पर एक डारोटी जैसा यहाँ हालात है, फिर भी हमने सुबह प्रशासन के आग्रह में यहाँ आए लगाने लिए, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी धूप है, जमींदारों का माल है पूरा खराब हो रहा है। यदि बरसात आ जाएगी हम कहाँ जाएंगे, और से हम माल कहाँ रखेंगे, लेकिन बरसात में यहाँ सेट बना प्रशासन आश्वासन देते हैं, बनाएंगे कब क्या करेंगे। बड़े अध्यक्ष है मोहन जी क्या गए थे, उन्होंने बताया है कि हम जल्द आपको सेट बनवा देंगे, लेकिन हमने उन्होंने बोला कि कम से कम यहाँ व्यवस्था तो करो, प्राथमिक व्यवस्था कम से कम पानी की है, लाइट की है, व्यवस्था कर दो, हमारे को त्रिपाल देंगे, त्रिपाल की व्यवस्था कर दो, जमींदार का माल भीगेगा तो क्या करेंगे, क्या व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है, दंगल है पूरा। यही अनुरोध है प्रशासन से कि आप व्यवस्था मौका व्यवस्था करिए, यदि 30 साल हम वहाँ पर रह गए तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई रात में आपको यहाँ से करना पड़ेगा, ऐसी नौबत कहाँ से आ गई रात में। इसलिए इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बना के मंडी विकास का कुछ काम करेंगे।